अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और आप अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को चेक करना चाहते हैं या अपने पैसे को खाते में जितना भी पैसा उसको चेक करना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने पीएनबी बैंक बैलेंस को चेक कैसे कर सकते हैं। वो भी अपने फोन से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने बैलेंस को चेक किया हुआ है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा, यहाँ नेम और यहाँ बैलेंस भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने पीएनबी बैंक अकाउंट के बैलेंस को चेक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है पीएनबी एम पासबुक। सर्च करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगा जो कि पीएनबी का ऑफिशियल ऐप है, ये आ जाएगा। यहाँ पर इसको इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड करके ओपन पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी डालना है। कस्टमर आईडी को ही कंज्यूमर आईडी भी कहा जाता है। ये आपके बैंक अकाउंट के पासबुक पर प्रिंट होता है, तो वहाँ से आप कस्टमर आईडी या कंज्यूमर आईडी को ले सकते हैं। 9 डिजिट का होता है कंज्यूमर आईडी या कस्टमर आईडी, सो यहाँ पर आप लोग डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना कंज्यूमर आईडी डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर इस टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, इसको टिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो भी आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, तो उसको यहाँ पर डाल लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ओटीपी है। आपके पास कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको 4 डिजिट का नंबर दिखेगा, इसी को ओटीपी कहते हैं। ओटीपी को वहाँ पर इसको डाल लेंगे, तो हम लोग ओटीपी डाल लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड, आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ पर आप लोग अपना एम पिन सेट कर लेंगे। एम पिन आप 4 डिजिट के यानी कि 4 अंक का कोई भी आसान से अभी आप पिन को सेट कर सकते हैं, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग सा ही पिन सेट कीजिए। जैसे कि हम अभी अपना डेमो के लिए 1 2 3 4 कर लेते हैं। इसके बाद नीचे भी एक बार फिर से इसी को डाल देंगे। डालने के बाद सेट पिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास ये पेज आएगा सक्सेस, आपका जो एम पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो गया है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपने जो भी एम पिन अभी सेट किया उसको डाल लेंगे। उसको डालने के बाद प्रोसीड, प्रोसीड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट का बैलेंस यहां पर दिख गया है। सबसे पहले यहां पर आपको अकाउंट नंबर के कुछ लास्ट के डिजिट दिख जाते हैं जो कि यहां देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपका नेम दिख जाता है और सबसे नीचे राइट साइड में यहां पर आपका बैलेंस दिख जाता है। जो भी आपके अकाउंट में पैसे होंगे वो यहां पर आपको शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग अपने बैंक अकाउंट के पैसे को चेक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद।